हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 10th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पांचवा। ठीक है, तो पांचवा हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज जो है उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएँ जो हैं वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बता दें, यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। नहीं, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो भाई बना लो चैनल, जैसे फेसबुक का ज़माना है वैसे ही आजकल टेलीग्राम का ज़माना है। अगर टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हुआ तो यार पीछे मत रहो, ज़माने के साथ अपडेट रहो। अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से साइंस पढ़ने अपन। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पांचवा। तो इन्होंने एक त्रिभुज की बात की है, वो हमारा त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और एक बात इन्होंने खास बताई थी समकोण त्रिभुज के बारे में, इन्होंने जो बात बताई थी उस हिसाब से हमारा चित्र है नहीं। ठीक है, अब सही है। तो इन्होंने क्या कहा था, इसका जो कर्ण है, एक मिनट देख लेते हैं, सेंटीमीटर है, क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर दिया गया है 13। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 13 सेंटीमीटर का जो है वो कर्ण दिया गया है। और इन्होंने क्या कहा था कि ये जो हमारी ऊंचाई है, ठीक है, ये हमारी ऊंचाई होती है जिसे लंब बोलते हैं, और ये हमारा आधार होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें आधार ही नहीं पता है तो हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस इतना ही पता है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या करेंगे हम? तो भाई हम मान लेंगे सबसे पहले कि आधार है क्या आखिर। तो हम मान लेंगे, माना आधार जो है वो हमारा है एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई जो है वो हमारी हो जाएगी एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ गए, 7 सेंटीमीटर कम बताई थी ना इन्होंने, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम बताई थी, इसलिए हमने घटा दिया। तो हमारी ये एक्स है और ये एक्स माइनस 7। अब भाई हम जानते हैं कि हमारा जब जहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया हो वहाँ पे तीन भुजाएं या दो भुजाएं भी दे दी गई हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के पास। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है पता क्या कहती है, यह कहती है जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो हमारे आधार और लंब के स्क्वायर का योग होती है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमारा कितना है 13, ठीक है, आधार कितना है एक्स, लंब कितना है एक्स माइनस 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे इसको। चलो भाई ओपन करते हैं। तो 13 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, ओजस बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो 1 6 9, मतलब 169। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 169। ठीक है भैया, अरे यार ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा एक फार्मूला बनेगा जाकर, क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ जस, चलो बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ 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 बताओ, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हमारा, क्या होता है ए स्क्वायर। तुम बताओ यहाँ, तुम अपने अपने वाले चैनल पे आना जो जस्ट ब्लॉग्स पे, ये आते हैं इस वाले चैनल पे। ठीक है, ठीक है, इस पे नहीं आना है, इस पे मना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 = 49, ठीक है। और 2ab, चाहे तो मैं आपको एक एक स्टेप बता देती हूँ। एक्स का स्क्वायर, फिर हमारा 7 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab होता है ना, 2 × x × 7, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा 169 तो लिखा ही रहेगा। और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर और 7 × 49, ये 7 × 14 x, ठीक है। अब हम सब को क्या करेंगे, सबको नहीं, इसको उधर ले जा रहे हैं, ये जो है उसको उधर ले जा रहे हैं, तो ये तो हमारे 2x² हो गए, 2x² हो गए, ठीक है। और ये हमारा माइनस का 14 x था, लिख लिया हमने माइनस का 14 x, और ये 49 था प्लस का, इसको भी लिख लिया। अब 169 उधर गया हमारा, तो माइनस में हो गया जाके, ठीक है, बराबर में 0। अब ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा, घटेगा तो भाई घटा लेंगे। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 2x² माइनस का 14 x, और इसको घटा लेते हैं, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 1 120 आ गया, ठीक है। और वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि ये जो है वो बड़ा है और इसके पास माइनस है, इसलिए माइनस का आ गया, ठीक है। इतना जो है वो हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम अगर 2 से जो ये तीनों हैं वो कट रहे हैं, तो 2 से इन तीनों को काट लेते हैं, ठीक है, 2 से इन तीनों को काट लेते। तुम यहाँ क्यों बैठे हो गर्मी में, और जो वहाँ बैठो जाके यार, जाओ यहाँ मत बैठो, यहाँ गर्मी है बहुत, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 से इसको भाग दिया तो हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसको 2 से भाग दिया तो हमारा 2 × 7 = 14 हुआ, माइनस का 7 x आ गया, ठीक है। चाहे तो हम इसको बिगाड़े दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो लगाना ही है हमको, ठीक है। एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये हमारा माइनस का 7 x हुआ, ठीक है। अब इसको 2 से भाग दिया तो 2 × 12 माइनस का 60 आएगा, ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का 60 = 0, ठीक है। अब 60 किसके पहाड़े में आता है, तो हमारा 30 × 60 होता है, तो 30 × 60 होता है, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। और किसके पहाड़े में 60 होता है, 12 × 5 = 60 होता है, 12 × 5 = 60, 12 में से अगर 5 जाएगा तो 7 हमारा बचेगा ना, तो ये सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो हमने ये कैसे किया, आप सोच रहे होंगे, अगर आप पहली बार क्लास देख रहे होंगे तो हम कहें मैम आपने ये क्या किया, ये हो गया। तो भाई आपको ये नहीं करना है, आपको मैं बता दे रही हूँ, भाई पुरानी जो क्लासेज हैं उनको आप देखना जाके, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया। तो हम यहाँ पे फिर भी आपको बताया दे रहे हैं, 60 जो है वो हमने लिख लिया, इसका हम क्या लेंगे, लासा, आपको बताया दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुरानी क्लासेज जो हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 × 6, फिर हम 3 से कर लेते हैं, 3 × 9 = 10, फिर हम 5 से कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, फिर हम 2 से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लासा में आ गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गुणा करने पे तो हमारा माइनस का 60 आना चाहिए, हैं, और प्लस माइनस करें तो हमारा माइनस का 7 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पे 60 आना चाहिए माइनस का, वैसे हमारा जोड़े या घटाएं हमारा माइनस का 7 आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, तो इसको ले लिया, 3 × 5 = 15 ले लिया, और 2 × 2 = 4 ले लिया, 15 और 4, हमने 15 और 4 लिया, ठीक है। इन दोनों को घटाया तो हमारा 11 आ रहा, इन दोनों को जोड़ा तो 19 आ रहा, पर हमारा माइनस का 7 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये हमने जो लिया था वो गलत है। तो अब हम कुछ और लेके देखते हैं। तो हम जैसे कि हमने क्या लिया था, 2 × 4 = 12 लिया था ना, 2 × 4 = 12 ये ले लिया था, 12 ले लिया था, 5 हमारा बच गया, तो हमने 12 में से 5 घटा के देखा तो हमारा 7 तो बच रहा है, 7 बच रहा है, तो मतलब इससे काम तो बन जाएगा, पर हमारा 7 जो है प्लस का बच रहा है, और यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो भी हमारा घटेगा। अब घटेगा तो हमारा 7 जो है वो माइनस का 7 आ जाएगा, अब गुणा करेंगे तो माइनस का 60 भी आ जाएगा, क्योंकि 12 × 5 = 60 होता है, तो मतलब हमको क्या मिल गया है, माइनस का 12 प्लस का 7, ठीक है, सॉरी माइनस का 12 प्लस का 5 ये मिला है मैं। तो हमने माइनस का 12 लिख लिया, एक्स इसमें था लगा लिया, प्लस का 5 जो था वो हमने लिख लिया, ठीक है, और एक्स इसमें लगाए ना, इसलिए हम एक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब 12x में से 5x घटाएंगे ना, तो हमारे प्लस माइनस है ना, तो घटेंगे तो हमारा माइनस का 7x बचेगा, और माइनस का 60 जो है वो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं, कॉमन लेंगे इन दोनों में से। कॉमन हमने x लिया तो हमारा यहाँ पे दो थे x, एक x बच गया, यहाँ से x चला गया तो हमारा माइनस का 12 बच गया। इस दोनों में कॉमन लेंगे तो प्लस का 5 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें x तो है नहीं तो x कॉमन लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमारा 5 तो चला गया, x बच गया, यहाँ पे 5 कम 5 5 दूनी 10, ठीक है, ये हमारा बच गया। इधर हमने बराबर में 0 लगा दिया। अब हमारा खास बात ये है कि ये जो दोनों ब्रैकेट आए हैं वो हमारे सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो मतलब आपने कोई गड़बड़ की है। तो हमारे ब्रैकेट जो है वो फिलहाल सेम है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही लग रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट उतार लिया और जो हमारे बच गए हैं, ठीक है, क्या बच गए हैं, x बच गया है, प्लस का 5 बच गया है, वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या बताना था, हमें आधार बताना था, आधार जो है वो आखिर हमारा बनेगा क्या जाके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 12 बराबर ये जो 0 है वो लिख देंगे एक बार, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया, और दूसरा वाला जो है x प्लस 5 बराबर 0 था, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको आधार बताना है, भाई आधार जो है वो हमारा सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में। क्या कोई लंबाई नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है, तो नहीं हो सकती है, तो ये वाला आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। मतलब हमने सही लगाया है पर ये हमारा आंसर माइनस का 5 जो है वो नहीं है, हमारा आंसर क्या है, 12 लिया जाएगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव वाला ही तो हमारी कोई भी दूरी हो हमारी पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी ना, तो ये 12 जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब आधार जो है वो अब आपको सबसे नीचे ये लिखना है, ये हम हटाए दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, सबसे नीचे आपको यही लिखना है, आधार जो है वो हमारा x सेंटीमीटर था तो वो हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। अब हमको ऊंचाई भी बतानी थी, तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, 12 माइनस 7 मतलब क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। आप देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में इन्होंने कहा क्या था, क्या पूछ रहे थे, ऊंचाई और यही पूछ रहे थे शायद। अन्य दो भुजाएं ज्ञात की, तो अन्य दो भुजाएं जो है, कर्ण तो हमें पता ही था कि अन्य दो भुजाएं जो है वो हमें ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बहुत दुख लगता है जब आप लोग ऐसे चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी मेहनत करती हूँ, फ़ैन भी नहीं चला रही हूँ, गर्मी में पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी लाइट्स ऑन करके, गर्मी समझ रहे हो ना कितनी भीषण गर्मी चल रही है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके।